गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विवास लाइफ में। होप करते हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं रेणुकूट में और आज जा रहे हैं अभी मंदिर पे जल चढ़ाने। तो चलिए देखते हैं बिरला मंदिर पे आज अभी कितना भीड़ हो रहा है। अभी सुबह का बज रहा है 8, इनका मॉर्निंग ड्यूटी चल रहा है तो इनको हम अभी टिफिन बना के दे दिए हैं, ये चले गए ड्यूटी। किट्टू भी नहा के घूमने निकल गया है, वो भी मंदिर की तरफ बोल रहा था जाने के लिए। और हम भी अभी नहा धुला लिए, घर में भी पूजा हो गया, अब चल रहे हैं मंदिर पे। तो चलिए देखते हैं आज बिरला मंदिर पे कितना भीड़ है। अभी 8 बज रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। सुबह से तो पानी रिमझिम रिमझिम पड़ रहा था लेकिन अभी पानी बिल्कुल बंद है, लेकिन मौसम बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं, मंदिर पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर पे आ गए हैं और ये सामने वाला गेट जो है वो भी खुल चुका है, इसी से हम आए हैं। ये सीधे हम लोग के रूम से यहाँ मंदिर के गेट, मतलब मंदिर पे आता है ये गेट, गेट का रास्ता। तो अभी हम आ गए हैं और ये देखिए मंदिर पे मौसम अच्छा है, एकदम बढ़िया, ना बारिश है ना अभी धूप है। और ये देखिए सब लोग आज पूजा कर रहे हैं, आज सोमवारी अमावस्या भी है शायद, हमको पता चला यहीं मंदिर पे आने के बाद ही कि सोमवारी अमावस्या है, पता नहीं, हम देखे नहीं है कैलेंडर में। तो अभी देखिए भीड़ तो नहीं है, 8 बज गया है इसीलिए हम लेट से आए, क्योंकि सुबह आते हैं ना तो बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। 4 बजे भोर में से ही, 3:30-4 से ही सब लोग आने लगते हैं जल देने सोमवार को। तो यहाँ मतलब कभी कभी तो एकदम सीढ़ी तक नीचे तक भीड़ रहता है, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं है। और ऊपर में भी देखिए पीपल हैं, बासदेव, वहाँ पे भी लोग जल दे रहे हैं। और नीचे भी बासदेव बाबा का पेड़ है, वहाँ पे भी सब लोग फेरा लगा रहे थे, जल दे रहे थे। ये देखिए लाइन, इतना लाइन है फिर भी ऊपर में ही है, ज़्यादा है मतलब नहीं है, कम भीड़ है तो जल चढ़ जाएगा तुरंत। हम इसीलिए लेट से आए कि सुबह का भीड़ निकल जाए, उसके बाद या तो एकदम सुबह में होता है या तो एकदम लेट में। जो 7 से 8 का टाइम रहता है ना, इतने में कम भीड़ होता है। तो हम इसी में आ गए और ये देखिए सावन में कितना सुंदर, सारा हरा हरा एकदम, जंगल, पेड़ पौधा, घास। और इधर सब पुलिस लोग खड़े हैं, गार्ड लोग हैं, क्योंकि सोमवार है तो ज़्यादा भगदड़ हो जाता है, तो ये लोग खड़े हैं पहले से ही, लेकिन उतना तो भीड़ है नहीं। शाम को भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये देखिए ये बासदेव बाबा का और बेल के पेड़ का भी सब लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। तो एक जगह बासदेव बाबा यहाँ पे हैं ऊपर ही, और एक जगह बेल का पेड़ है। और ये देखिए मेरे पीछे से भी लाइन शुरू हो गया है, 2-3 लोग आ गए हैं। और अभी ये हम सिर्फ जल चढ़ाते हैं, हमको उतना पूजा आता नहीं है, बस जल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे बस। और यहाँ अंदर मंदिर में ये लोग जल ही चढ़ाने देते हैं, चिल्ला रहे हैं उधर से कि बस जल चढ़ाइए निकलिए, ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ही भीड़ हो जाएगा ना। अगर बैठ जाती हैं एक एक लोग तो पता नहीं कितने 10-10 मिनट ले लेती हैं सब चढ़ाने में, तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो देखिए हमको बस जल चढ़ाना था, हम जल चढ़ा के आ गए हैं अब ऊपर मंदिर पे। ये देखिए नीचे सब लोग अभी जल चढ़ा रहे हैं, हम ऊपर आ गए हैं ऊपर मंदिर पे दर्शन करने। तो देखिए यहाँ पे भी अभी ये हैं नंदी बाबा, पहले नंदी बाबा का दर्शन होता है फिर उसके बाद शंकर जी का। जैसा कि हम आप लोगों को पहले हम कई बार दिखा चुके हैं बिरला मंदिर का तीज पे और सावन के सोमवार में भी, कि यहाँ के नंदी बाबा बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। तो ये हैं बन्नी, हमारे कॉलोनी की हैं, ये आके पूजा करके यहाँ पे बैठी थी मंदिर में। सब लोग बोलते हैं ना कि मंदिर में थोड़ी देर बैठा जाता है, तो ये बैठी थी, हम बोले आप बैठिए हम आ रहे हैं पूजा करके हम भी अंदर से। और ये माली लोग अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी उतना फूल है नहीं, फूल यहाँ पे सीजन का लगाया जाता है, तो अभी सारा काट दिए हैं सब। पहले इसके पहले गेंदा था, तो गेंदा का अभी हटा दिए हैं और अब लगा रहे हैं किसी और चीज़ का, जैसे गुलदावरी हो गया, गुलदावरी हम लोग बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं,
इधर छोटा छोटा पेड़ है, ये वाला देखिए, ये वाला गुलदावदी हम इसको बोलते हैं। इसका पत्ती भी पीस के लगाइए हाथ में ना, तो मेहंदी के जैसा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। हम लोग बचपन में पीस के लगाते थे, तो उसी को गुलदावदी बोलते हैं। और सबका पेड़ लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पे बन्नी बैठी थी, हम भी पूजा करके आके हम बोले हम भी 2 मिनट बैठ लेते हैं, मंदिर में बैठा जाता है, उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो शीतला मंदिर का भी दर्शन करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, ये है हम लोग का सोमवार का मतलब बिरला मंदिर पे भीड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है आज तो हमको। हम थे तब, उस टाइम तो था भी कुछ मेरे सामने लाइन, अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। ये देखिए, जितने अंदर हैं उतने लोग हैं, बाहर तो बिल्कुल नहीं है। अब आते जा रहे हैं और पूजा करते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। अब आदमी लोग का ज़्यादा भीड़ रहेगा। तो ये है बिरला मंदिर, देखिए। हाँ, सावन का सोमवार आज तो एकदम लग ही नहीं रहा है कि सावन का सोमवार है, पता नहीं क्यों। भीड़ नहीं है इसलिए कि क्या। तो अभी देखिए नीचे, यहाँ का ना व्यू बहुत ही मस्त है, बहुत ही मतलब सुंदर बहुत लगता है। तो अभी देखिए, थोड़ी देर पहले थोड़ा सा धूप उगे थे, अभी फिर से बादल आ गए हैं और हम लोग भी चल के थोड़ा सा यहाँ पे जल दे देते हैं वासुदेव बाबा में। यहाँ पे औरतें और परिक्रमा कर रही हैं, जैसा कि हम बताए आज सोमारी अमावस्या है, तो यहाँ पे लोग फेरा लगाते हैं, जल देते हैं। वहाँ से हम लोग आ गए बिरला मंदिर से शीतला मंदिर, और यहाँ पे भी पूजा करके हम बैठ गए हैं। बन्नी हैं वो अपना पूजा कर रही हैं, और यहाँ पे भी वहाँ से हम लोग आते हैं तो यहाँ दर्शन करके उसके बाद जाते हैं घर। तो ये हैं हम लोग के शीतला मंदिर। सो फ्रेंड्स, घर पे आ गए और यहाँ बैठ के अभी थोड़ी देर हवा लेंगे, उसके बाद चलेंगे, देखेंगे क्या नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में साबूदाना है, उसी को भिगाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आराम करके उसके बाद फिर जो होगा सो होगा। सो फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं, साबूदाना भिगाएंगे। अभी रात में नहीं भिगाए थे, हमको रात में ही भिगा देना चाहिए था, हम भूल गए। तो अभी भिगाएंगे इसको, थोड़ा सा ही भिगाएंगे, छोटा वाला दाना है, जल्दी से फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना हम ले लिए हैं, इसको भिगाएंगे नहीं, इसको बस पानी डालेंगे और धुलेंगे, उसके बाद फिर रख देंगे धुल के। इसको पानी में एकदम भिगा के नहीं रखेंगे, बस इसको थोड़ा सा, इसको बस थोड़ा सा धुलेंगे, और धुलने के बाद इसका पानी निकाल देंगे। किट्टू आया नहीं घूम के, और मंदिर का चढ़ाई बहुत था, थक गए हैं, अब थोड़ी देर आराम करेंगे। और अभी द कपिल शर्मा सो दे रहा है, वो देखेंगे, देखते देखते थोड़ा नींद भी ले लेंगे, उसके बाद उठेंगे तब अपना नाश्ता बनाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा आराम करने। तो फ्रेंड्स, हम सो के उठ चुके हैं और अब बनाने जा रहे हैं अपना नाश्ता। और ये मेरा साबूदाना जो भिगाए थे, ये एकदम बढ़िया से फूल गया है, देखिए एकदम भर भरा है। और जो थोड़ा सा पानी डाले थे वो सोख लिया है, और ज्यादा पानी भी नहीं है इसमें, तो ये पूरा एकदम अच्छे से हो गया है। और इसमें डालने के लिए पहले इसमें हम मूंगफली भुनेंगे, उस बिना घी का फ्राई करेंगे, मतलब फ्राई नहीं करेंगे, बिना घी का मूंगफली भुनेंगे। ये मूंगफली मेरा हो चुका है, फली हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। हम थोड़ा सा ही डाल रहे हैं, आप लोग ज्यादा डाल सकते हैं, हमको कम खाना है इसलिए थोड़ा सा। और उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा,
जीरा हो गया और ये किए खड़ी मिर्च हरा, इसको हम बीच से चीर दिए हैं, इसको डाल देंगे। सूखा मिर्चा तेल में छान के उसको दाल चावल से खाइए, मस्त एकदम जबरदस्त। अब ये हो गया है मेरा मिर्चा और जीरा, इसमें डाल देंगे साबुदाना। ये मेरा सेला नमक ही है क्योंकि हम लोग हर रोज सेला नमक ही खाते हैं, तो अभी इसको थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। सो फ्रेंड, जब से मेरा ये पक रहा है तब से हम बना लेंगे, ये है दही, बनाएंगे इसका छाछ। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, तो फ्रेंड्स मेरा नाश्ता बन के तैयार है। अब चल रहे हैं हम नाश्ता करने और अभी दोपहर का बज रहा है 12 और 12 का सायरन भी लग रहा है, अगर सुनाई दे रहा होगा इसमें तो 12 का सायरन भी लग रहा है। अब चल रहे हैं हम नाश्ता करने, तो देखिए मेरा कितना मस्त नाश्ता हुआ है। ये देखिए ये साबुदाना कितना अच्छा एकदम खिला खिला है। अब इसके ऊपर से ये नींबू निचोड़ दिए, ये और स्वाद अच्छा हो जाएगा। और ये मेरा मठा, तो ये रहा मेरा आज व्रत का नाश्ता। अब चल रहे हम खाने, भूख बहुत जबरदस्त लगी है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नए हैं मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब करके आप भी मेरे परिवार में शामिल हो जाइए। मिलते हैं आप लोगों से कैसे ही अच्छे से नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।